फंक्शन ऑफ सेल में कॉन्टेंट्स सेल्यूर बाउंड्रीज सेलब्रेन एंड सैल्यर बाउंड्रीज सेलब्रेन्स फॉर कंपार्टमेंटलाइजेशन सेल मेंबरेन्स फॉर मेटीरियल ट्रांसपोर्ट फॉर आ साइड फॉर केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स एंड द रोल ऑफ सेल में होमियोस्टेसिस अगर हम यहां देखें तो जैसे जो सेल मेंब्रेन है जब हम सेल मेम्रेन की बात करते हैं या प्लाज्मा कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ हमारी सेल की आउटर मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि इससे मुराद सेल मेम्ब्रेन और जितनी भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली सेल के अंदर मौजूद हैं जिसमें वी आर हैविंग एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक्रेटिकलम वी आर हैविंग माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस लाइजोजोम्स पार्जीजोम्स जितने भी ऑर्गेनालीज हैं उनकी मेम्ब्रेन भी बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो जब भी हम किसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो इट डजन मीट कि हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं जितना भी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल मेंब्रेन हम पढ़ते हैं वो तमाम मेंब्रेन के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है यानी वही चीज जो हम सेल मेम्ब्रेन के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं वो सेल की आउटर मेम्ब्रेन और बाकी जो प्लाज्मा प्लाज्माब्रेन है उनके लिए भी यूज होती है अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज मेंब्रेन ये डिफरेंट मेम्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है जो सबसे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट जो है इसका जो फंक्शन जो, जो सबसे पहले जिसको आप मैंशन करने जा रहे हैं वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल को बाकी इन्वायरमेंट से बाकी चीजों से अलग करती हैं तो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग बाउंड्री टू द सेल क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है इट विल मिक्स विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो गया तो जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है सेल का वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इसलिए सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे पहला काम है ये है कि वो सेल को एक प्रॉपर बाउंड्री प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करेगा कंपार्टमेंटलाइजेशन अच्छा कंपार्टमेंटलाइजेशन में एक तो हो गया आउटर बाउंड्री जो है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यह सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अब उन छोटे कंपार्टमेंट्स को हम ऑर्गेनालिज कहते हैं जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया एक कंपार्टमेंट है इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गोल्जियोपेटस है लाइजोजोम्स हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल के अंदर क्या है छोटे छोटे जो है वो कंपार्टमेंट्स हैं और हर एक के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट एन्वायरमेंट जो है वो चल रहा है अगर ये कंपार्टमेंट्स ना होते तो माइटोकॉन्डरी के अंदर एटीपी को बनाने वाला जो एन्वायरमेंट है वो क्रिएट ना हो सकता इस तरह से गॉलजी ऑपरेटर्स ने जो प्रोटीन की मोडिफिकेशन करनी है वो ना कर सकती तो कंपार्टमेंटलाइजेशन में डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेलीस को अलग अलग सेपरेट जो है वो एक स्पेस मिलती है

जितने भी सेल के मटेरियल्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन यानी कोई भी चीज सेल से अंदर जानी है ऑक्सीजन इनहेल हमने की है वो ऑक्सीजन जब भी हमारी सेल तक पहुंचेगी तो उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाना है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वाटर की ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है या इवन जो हम फूड लेते हैं जब सेल्स तक पहुंचता है तो उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही अंदर जाना है तो तमाम तरह की ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन तो मैंब्रेन जो होती है बेसिकली इसको जो है वो कंट्रोल करती है इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक मेम्ब्रेन है जो अकॉर्डिंगली क्या करेगी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी थर्ड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द दे आर द साइट फॉर केमिकल रिएक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपेरेंटली तो हम यही कहते हैं कि ये बाहर क्या है कि ये एक एनिवल है या एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है बट इट इज हैविंग मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो प्लाज्मा ब्रेन के ऊपर होते हैं अब सिंपल से मैं दूं जैसे हमारे जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं आपको पता है हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं हारमोन हमारे सेल्स को इफेक्ट करते हैं या फिर इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है अब जो नर्वस सिस्टम है या हार्मोन्स हैं वो सेल्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर अपना कोई ना कोई केमिकल रिलीज करते हैं अब ये जो केमिकल रिलीज होगा इट विल रिएक्ट विद द विदिक्यूल प्रेजेंट एट द दर्फिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन के सर्फिस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर या बाकी चीजें उनके साथ रिएक्ट करेगा ये होने वाला रिएक्शन इन साइड के ऊपर जब वो शो होगा और क्योंकि ये जो प्रोटीन है जो मालिक्यूल उसका एक सरा बाहर होगा एक अंदर होगा तो बाहर से जो जो स्टूमुलस रिसीव होगी उसको फिर बाद इनसाइड एक केमिकल रिएक्शन चलेगा जिससे सेल अपना रिस्पॉन्स शो करेगा तो इट मींस सेल की जितनी भी कम्युनिकेशन है ड्यू टू द रिएक्शन प्रेजेंट एट आर आर बेसिकली डन बेसिकली बेसिकलीफॉर्म एट सर्फिस ऑफ सेल दें आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स सेल मेंब्रेन की सर्फेस के ऊपर जितनी प्लाज उनकी सर्फिस के ऊपर बाकायदा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल होते हैं विच आर प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी टू दैट सेल तमाम सेल्स की क्या है कि आइडेंटिटी के लिए उसकी सर्फिस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स मौजूद है मालिक्यूल्स मौजूद है ये मार्कर बेसिकली मालिक्यूल्स हैं इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके पास है ब्लड सेल्स जो हैं एक शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होता है एंटीजन ए होते हैं तो एंटीजन क्या है दे आर मार्कर फॉर डेट सेल्स इसे किसी शख्स का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मार्कर कौन सा होगा एंटीजन बी होगा तो इससे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके पास दोनों मार्कर्स जो है वो मौजूद होते हैं सेल so, के ऊपर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं जो सेल्स को पहचान देते हैं या उसको जो है बाकी चीजें जो है कर सकती हैं रोल ऑफ सेल में होम्योस्टेसिस क्या है होम्योस्टेसिस का मतलब यह है कि सेल के इंटरनल इन्वायमेंट को एक खास लिमिट्स के अंदर रखना स्पेसिफिक तो क्या वो तो एक नैरो रेंज के अंदर सेलुलर एनवायरमेंट को रखने का नाम क्या है होम्योस्टेसिस है अब इसमें से सिंपल अगर हम देखें तो हमारे ब्लड के अंदर हमारे सेल्स के अंदर वाटर का एक खास लेवल मौजूद है अब अगर वाटर एक्सेस में मौजूद है सेल उसको बाहर निकाल देगी और अगर वाटर जो है वो शॉर्टेज में है कम है सेल के अंदर कम हो रहा है तो बाहर से वाटर को इनटेक कर लिया जाता है तो सेल के अंदर एक खास एन्वायरमेंट को क्या किया जा रहा है मेंटेन रखा जा रहा है इस तरह से अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है तो बाहर से ग्लूकोज क्या किया जाएगा इंपोर्ट किया जाएगा तो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक खास लेवल के ऊपर रखा जाता है ये वैसे ही है जैसे हमारा आपको पता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सेवन रहता है तो हमारा जो टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर की तरह बाकी तमाम चीजें चाहे वो ऑक्सीजन है वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड है सोडियम आइंस है हर एक चीज का हमारे बॉडी के अंदर खास हमारे सेल्स में एक खास लेवल है और उस लेवल को हम क्या कहते हैं कि ये होम्योस्टेसिस सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इन तमाम चीजों को कोऑपरेट करती है इनको रेगुलेट करती है